सितारगंज क्षेत्र के ग्राम लोका गोठा में ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रही कच्ची शराब के खिलाफ उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शराब बिक्री को बंद कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से कच्ची शराब खुलेआम बिक रही है। वहीं पुलिस समय समय पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ग्राम लोका गोठा में अवैध शराब बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने शराब बेचने वालों के घर पर छापा मारकर शराब के कट्टे भरकर उपजिलाधिकारी कार्यालय ले आए हैं, जहां पर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें, इससे पहले भी लोका गोठा के ग्रामीणों ने कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन शराब माफिया बेखौफ होकर कच्ची शराब के क्षेत्र में बेच रहे हैं, जिस पर ग्रामीणों का कहना है कि शराब पीने से कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, कई महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, बच्चे यतीम हो चुके हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री का काम जारी है। वहीं ग्राम लोका गोठा के ग्रामीणों में अवैध कच्ची शराब की बिक्री को लेकर खासा गुस्सा देखा गया है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। रैकेट बहुत बड़ा चल रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें इन्वॉल्व है, और ये जो लोका गोठा से दारू पकड़ा गया है, जो वो क्या कहते हैं डब्बे हो, जो राशन का डब्बा रखा जाता है, उसमें राशन के डब्बे में रखा गया था। ये गांव वाले बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं, और ये हर नागरिक का यही काम होगा, यही काम करना चाहिए। ऐसे चाहिए द्वारा भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है, पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा जांच इसमें जारी है, और रिसेंट में भी हमारे यहाँ लगातार छापेमारी चल रही है, जिसमें भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है, और भट्टियाँ भी जो है उनको भी तुड़वाया गया है, और कई जो लोग हैं जो दोषी हैं उनके विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। तो कार्रवाई हमारी लगातार जारी है, अभी भी हमने आबकारी विभाग को मौके पर बुला लिया है। अगर